या देशात मॉब लिंचिंग नावाचा प्रकार नाहीये, तो पाश्चिमात्य देशातला आहे, असं वक्तव्य संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी काल केलं होतं. त्याला उत्तर देत एमआयएमचे संस्थापक अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी जोरदार टीका केली आहे. याच देशात मॉब लिंचिंग आहे, आतापर्यंत झालेले हत्याकांड तुम्ही विसरलात का? या देशात सेक्युलरायझम राहिला आहे का? अशा तीव्र शब्दात मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याचा ओवेसी यांनी जाहीर निषेध केलाय. तसेच मोहन भागवत तुमच्या गोडसेंना आवरा असे खडे बोल देखील सुनावले. बीड येथील एमआयएम उमेदवारांच्या प्रचारार्थ ते आले होते. त्यावेळी ओवेसी यांनी भाजप आणि संघावर सडकून टीका केली आहे. 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है. और अगर आज मोहन भागवत ये कहती है कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक हिंदुस्तान या भारत से नहीं है, नहीं मिस्टर मोहन भागवत, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से है. इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या वो क्या था? फिर वो एक एक सिख को चुन चुन कर मारा गया था. क्या 2002 में गुजरात में जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी थे, क्या कत्लेआम नहीं हुआ? क्या एक लड़की जो हामिला थी, जिसको एक नहीं 15 लोगों ने रेप किया, उस लड़की के सामने उसकी मासूम बच्ची को सर पर फेंक कर उसको जान ली और उसके रेप के बाद उसका हनल साकित हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, सुनो मिस्टर भगवत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको 50 लाख दो. क्या था फिर ये मॉब लिंचिंग? अगर भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो रोको अपने लोगों को. क्या तबरेज को मारने वाले कौन है? गोडसे की औलाद अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया. कोर्ट ने उन मुजलिम को सजा दी, बेल पर निकल कर आए तो आपका मिनिस्टर जैन सिन्हा फूल का हार पिलाता है. क्यों पिलाया मॉब लिंचिंग वालों को? इखलाक को मारने वालों का एक मुलजिम मर गया तो उसके ऊपर हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा उसकी जिस्म पर रखकर यूनियन मिनिस्टर जाकर उसके जिस्म पर फूल का हार रखता है. बोलो ये क्या है फिर?